गाइस, बेरोजगारी ये एक ऐसा शब्द है और एक ऐसा मुद्दा है जो कि हमारे देश में लाखों युवाओं को प्रभावित करता है और प्रभावित कर रहा है। और गाइस, ये समस्या इतनी बड़ी है कि इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि एनसीआरबी की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2018 के अंदर हर 2 घंटे में 3 लोगों ने आत्महत्या की है रोजाना, वो भी सिर्फ और सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट के चलते। गाइस, अगर हम 2023 की बात करें तो 2023 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 7.80 से बढ़कर 8.11% हो गया। और गाइस, अगर ऐसे में देखा जाए तो भारत का हर एक चौथा आदमी बेरोजगार है। सो गाइस, आज हम इस मुद्दे पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इंडिया के अंदर इस बढ़ती हुई अनएम्प्लॉयमेंट रेट का कारण क्या है और इसे कम कैसे किया जा सकता है। वेल गाइस, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट दिलीप। गाइस, अगर हम इंडिया के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी की बात करें तो इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हैं, जिनमें पहला रीजन है इंडिया की बढ़ती हुई पॉपुलेशन। वैसे गाइस, देखा जाए तो समय के साथ पॉपुलेशन का बढ़ना काफी नॉर्मल बात है, बट गाइस, जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन बढ़ रही है वो काफी तेजी से बढ़ रही है। और गाइस, आप इस बात को जानकर हैरान हो जाएंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 1960 के अंदर 46 करोड़ के आसपास हुआ करती थी, लेकिन गाइस वही पॉपुलेशन आज की डेट में 140 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है। साथ ही गाइस, आने वाले कुछ ही टाइम में ये पॉपुलेशन तेजी से ग्रो करेगी, इसीलिए गाइस अगर हमारे इंडिया से अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कम करना है तो इस बढ़ती हुई पॉपुलेशन को भी कम करना होगा। अब गाइस, हमारे भारत में बढ़ती हुई बेरोजगारी का दूसरा कारण है स्किल्स की कमी। देखिए गाइस, अब ऐसा भी नहीं कि हमारे इंडिया के अंदर जॉब मिल ही नहीं रही, ऐसा नहीं, हमारे इंडिया के अंदर भी बहुत सारी जॉब पड़ी हुई है, लेकिन गाइस प्रॉब्लम यह है कि उस जॉब को करने के लिए लोगों के पास सफिशियंट नॉलेज ही नहीं है और स्किल्स ही नहीं है। अब गाइस, इस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारा एजुकेशन सिस्टम, जो कि आज के डेट में भी बच्चों को सिर्फ ये सिखाता है कि कैसे एग्जाम के अंदर अच्छे नंबर लाने हैं। इसीलिए गाइस, मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा, अगर आगे चलकर आपको भी जॉब करनी है तो गाइस, जिस भी फील्ड के अंदर आपको इंटरेस्ट है उस फील्ड के अंदर अपनी स्किल्स को इंप्रूव करना आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि गाइस आप जब भी जॉब के लिए जाएंगे तो वहां पर आपके नंबर से ज्यादा आपके स्किल्स और आपके नॉलेज की वैल्यू होगी। अब गाइस, हमारे इंडिया के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी का तीसरा कारण है लापरवाह सरकार। गाइस, आज दुनिया में एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला है कि बेरोजगारी की तीसरी सबसे बड़ी वजह है लापरवाह सरकार। और गाइस, कहीं ना कहीं इसमें आपका और हमारा ही याद है, क्योंकि गाइस हम धर्म और जाति के नाम पे ऐसे बिक जाते हैं कि किसी भी ऐसे आदमी की सरकार बनवा देते हैं जिसको कौखा भी ना आता, और गाइस उसके बाद वो देश सुधारने की बात करने लगता है। अब गाइस, हम बात करें अगर अपने पीएम मोदी की, तो जिस तरीके से ये सारी सरकारी संपत्ति को प्राइवेट कर रहे हैं उस तरीके से 25 से ज्यादा उम्र वालों को तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन गाइस जो बच्चे अब सरकारी नौकरी करना चाहते हैं उन्हें ये चीज देखकर कितना बुरा लगता होगा कि अब तो सरकारी नौकरी पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कुछ ही टाइम में तो मोदी जी सारी सरकारी संपत्ति इसको प्राइवेट कर देंगे। अब गाइस, बात करते हैं इंडिया के अंदर बढ़ती हुई बेरोजगारी के चौथे कारण की, तो वो है फैक्ट्रियों का बंद होना। गाइस, आज के डेट में इंडिया के अंदर हर साल हजारों फैक्ट्रीज बंद हो रही है, और गाइस कहीं ना कहीं इसकी जिम्मेवार कुछ हद तक भारत सरकार भी है। गाइस, आपको बता दें कि भारत सरकार इन कंपनीज के प्रॉफिट को देखे बिना ही इनसे टैक्स पर टैक्स लिए जाते हैं, और गाइस इसका नतीजा ये होता है कि एक टाइम पर ये कंपनीज इतने लॉस में चली जाती है कि इन कंपनी ओनर्स को इन कंपनियों को बंद करना पड़ता है मजबूरी में। सो गाइस, अगर हमारे इंडिया से बेरोजगारी को खत्म करना है तो ये चीज भारत सरकार को बहुत ही अच्छे से समझनी होगी कि फैक्ट्रीज को बंद करने के बजाय उन्हें चालू रखना होगा, जिसकी वजह से इंडिया में जितने भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उन्हें नौकरियां मिलेंगी और हमारे अनएम्प्लॉयमेंट रेट में गिरावट आएगी। फाइनली गाइस, मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप इस बात को बिल्कुल अच्छे से समझ पाए होंगे कि हमारे इंडिया के अंदर बेरोजगारी के क्या क्या रीजंस हैं, और गाइस इन सभी चीजों को सुधार करके हम इंडिया के अंदर बेरोजगारी को कम कर सकते हैं। वेल गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कॉमेंट करके फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।